अरे लगता है किसी के सींग है भैंस के। एक काम करती हूँ, इसको अपने घर ले जाती हूँ, फिर अपनी छोटी बहन को उसे डराऊंगी। ये सही है। एक दो तीन चार। यार सर को धोने वाने पड़ रहे क्या? अभी हंसे जा रहे हैं। क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं, वो तुम्हारी प्रिय दोस्त है ना अदिति शर्मा, वो आज भी लेट है। उस लड़की ने मेरे नाक में दम कर रखा है। अरे हाँ अदिति तो आज भी लेट है। एक काम करते हैं, हम उसको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारा हमेशा पिकनिक खराब होता है। चलो सर। नहीं नहीं सर, हम उसका थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अरे तो चुप कर। हाँ नहीं तो बड़े उसके दोस्त बनी फिरती है ना। एक काम कर, तू भी उसके साथ ना यही रह ले। चलो सर हम चलते हैं। अरे चुप, मुझे क्या करना है तुम मुझे मत बताओ, टीचर मैं हूँ या तुम? अदिति आज तो लेट है तू, आज क्या हुआ? अरे तो क्या हो गया, आग बबूला क्यों रहे टकले? आ तो गई हूँ ना मैं। तूने मुझे टकला बोला? अपने टीचर को टकला बोलती है, तुझे कुछ शर्म नहीं आती? इसमें कैसी शर्म, टकले को टकला नहीं बोलूंगी तो क्या गंजी बोलूंगी? अच्छा तू मुझे बार बार टकला बोल रही है, अब जेल में तो छोड़ूंगा नहीं। अरे सर इतना गर्म क्यों बोलो, टकले हो टकला नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे? तू भी बैलगाड़ी, चुप। पहले मुझे इसको ठीक करने दे, फिर तेरी क्लास लेता। चल मुर्गा बन। अबे ओ बुड्ढे, मुर्गा कैसे बनूं? मुझे मुर्गा बनना आता है क्या? मैं तो मुर्गी बन सकती हूँ। जो भी बनना है बन। मुझे वो भी बनना नहीं आता, पहले बन के दिखाओ कैसे बनते, तभी तो बनूंगी। अरे सर आप तो बहुत अच्छे मुर्गे बनते हो, एक बार जरा और बन के दिखाओ, देखो पूरी क्लास को कितना मजा आ रहा है। तूने मुझे मुर्गा बनाया, मेरा मजाक उड़ाया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या शर्म, मुर्गे जैसे दिखते तो बनाऊंगी ना, टकलू रहेगा। फिर टकलू बोला तूने मुझे, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। अबे टकले क्यों चिल्ला रहा है, पहले पकड़ तो ले टकलू। अबे चल। यार अदिति का ये रूप तो पहली बार देखने को मिला, चलो चलो देखते कि क्या होगा। बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। अरे मुझे टकला बोल के खुद जहाँ झूला झूल रही है। रुक, अभी मैं तुझे गंजी काटता हूँ, अभी बताता हूँ तुझे मैं। पहले पकड़ तो ले बुड्ढे। अरे ये कहाँ चल गई, ये लड़की है या भूत? अरे अरे कहाँ चल गई ये भूत, भूत 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 भूत। पकड़ लिया, अब कहाँ जाएगी बच के? अब मैं तुझे सर के पास ले जाऊंगी और सर से एक्स्ट्रा फ्रूटी और पार्ले जी लूंगी। चल चल चल। तुझे लगता है वो बुड्ढा वो टकला तुम्हें इनाम देगा, बदले में जो तुम लाए हो ना खाने में वो भी खा लेगा वो। उए, तुम इंसानों को अच्छे से जानती हूँ मैं। चुप कर, तू हमारे सर की बेइज्जती करती है, उन्हें बुड्ढा बोलती है, उन्हें टकला बोलती है। अब तो मैं तुझे जरूर लेके जाऊंगी। मुझे पकड़ेगी? जरा मुझे पकड़ तो ले अभी। अरे ये कहाँ गई? मम्मी सर। अदिति अब कहाँ जाएगी बच के? अब तो हमने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुझे पकड़ के सर के पास ले जाएंगे, फिर हमें इनाम मिलेगा। तू अकेले अकेले इनाम लेगा, मैं भी इनाम लूंगा, मैं भी पकड़ूंगा इसे। अबे यार 50-50 कर लेंगे ना, पहले पकड़ तो ले। तुझे लगता है बैलगाड़ी तू मुझे पकड़ेगा? जिसने आज तक लड़की नहीं पकड़ी वो मुझे पकड़ेगा, तू पकड़ेगा जिसने आज तक चींटी नहीं पकड़ी वो उई को पकड़ेगा। अब भी बताते कैसे पकड़ेंगे। 1 2 3। अबे ये कहाँ चली गई? मुझे लगता है हवा में उड़ गई। सर कहाँ चली गई अदिति यार? उई तुझे ढूंढू मैं गली गली और तू तो मेरे पीछे गाड़ी मिली। चल तेरे को सर के पास लेके चलती हूँ, चल। अरे तू हिल क्यों नहीं रही, पत्थर की तरह जम गई है, चल। अरे तू हंस क्यों रही है, दौरे वौरे पड़ गए क्या, तुझे जूता सुंघाऊं? ये कहाँ चली गई, ये तो गायब हो गई। सर
सर, अदिति में भूत। अबे चुप, तभी तो मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। मुझे भी लगता है उस लड़की में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अबे चुप, मुझे भी दिख रहा है। चुप करो, कौन है दीदी? मैं हूँ। तुम आप पेट खराब है क्या? तुम उई 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 कर लियो। हमारे अदिति के शरीर से बाहर निकलो। वे गैंडे की शक्ल के, तूने मुझे ये बोला? ज्यादा जबान मत चला, तेरी जबान खींच के ना अपने सारे कपड़े सुखाऊंगी। यही ज्यादा क्या तू है? तुम भूत लोगों के पास कपड़े भी होते क्या? मैं सोचा सफेद साड़ी के अलावा कुछ होता ही नहीं होगा। बेहद डेढ़ पतली वो भी रखली। चुप रह, ज्यादा मत बोल, नहीं तो अपने ही कपड़े तुझे पहना दूंगी, समझ गया? नहीं नहीं नहीं, ये तमाशा बंद करो। हम तुमसे डरने वाले नहीं है। हमारे अदिति के शहर से बाहर निकलो। बहुत बोल रहा है ये हाथी का गेंडा, अभी से बताती हूँ। अरे दोस्तों, मुर्गा बना दिया। उई उई, ये मुर्गा बन गया। ये रहा, इसको मुर्गा बने रहने दो, मुझे दो अंडे लेने हैं। अरे अंडे देना, अरे अंडे दे दे। टकले, मैंने इसको मुर्गा बनाया ना कि मुर्गी जिसके अंदर से अंडे निकाल रहा है। तुम सबको बनाओ मुर्गी। नहीं 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 नहीं। तुम दोनों लड़कियों की बहुत जबान चलती है, बहुत बकरी की तरह मैं करती हूँ। बनाओ तुम दोनों को बकरी। नहीं नहीं, बकरी मत बनाओ, अगर कुछ बनाना है तो मोरनी बना दो। नहीं नहीं, मुझे तो खरगोश बनाना। अबे चुप करो, चिड़िया घर में आए हो क्या? ये बना देना, वो बना देना, हमारे दोस्त को प्लीज इंसान बना दो। ठीक है ठीक है। अरे अब तो तू इंसान बन गया है, ये क्या मुर्गों वाली हरकतें कर रहा है? अरे इतनी देर से मुर्गा बना हुआ था, थोड़ी आदत पड़ गई है। पट पट पकैक, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना ठीक होने में। पट पट पकैक, बस बहुत हो गया। अब मैं किसी को कुछ नहीं बनाऊंगी। मन तो कर रहा है किसी को नचाऊं। किस किस को इस बुड्ढे का डांस देखना है? बहुत नचाता है ना ये अपने इशारों पे बच्चों को, तो बताओ देखना है तुम बच्चों को इसका डांस? चल टकरे नाच। नहीं नहीं, मुझे डांस नहीं आता, मुझे डांस नहीं करना, मुझे नहीं डांस करना। नाचना नहीं आता, मैं तुझे नचाऊंगी। तुम लोगों ने मेरा डांस कराया ना, तुम स्कूल चलो, तुम्हारा मुर्गा बना के मैं तुम्हें भी डांस कराऊंगा। चलो चलो, बहुत हो गया, अब समय तुम सबकी जेल लगाने का। क्या मतलब? अभी बताती हूँ, जल्दी चलो मेरे साथ। उई 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 जी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपने हमें ऐसे क्यों बिठा रखा है? अपनी भूतिया कहानी सुनाने के लिए। भूतिया कहानी? मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है सुनने में। सुनाओ सुनाओ, जल्दी सुनाओ। एक बार की बात है, तुम लोगों को पता है ना मैं तुम्हारी पिकनिक क्यों खराब करना चाहती थी? क्योंकि बचपन में मुझे भी पिकनिक जाने का बहुत शौक था। मेरे सारे स्कूल के दोस्त जाते थे मुझे छोड़ के, मेरे माँ बाप मुझे पिकनिक जाने नहीं देते थे। उई उई उई। पर क्यों? क्योंकि मैं हमेशा टेस्ट में जीरो लाती थी और प्रिंसिपल के बेटे और बेटी को धैर धैर घूसे बजाती थी, इसीलिए इसीलिए। फिर तो पिकनिक पर कोई माँ बाप नहीं जाने देंगे ना। उई उई जी, चुप कर, नहीं जाने देगा। इसलिए मैं सबकी पिकनिक पे जाती हूँ और सबकी पिकनिक तबाह कर देती हूँ, खराब कर देती हूँ। मैं खुश नहीं रह सकती, कोई बच्चा खुश नहीं रह सकता। उई माँ। उई उई उई। उई उई जी, एक काम करो ना, आप हमारे साथ पिकनिक पे एंजॉय करो, हमारी पिकनिक नहीं खराब होगी, आपका भी एंजॉय हो जाएगा। मोटे तेरा आइडिया तो मुझे अच्छा लगा। हाँ आइडिया तो ठीक है, लेकिन आप मुझे मोटा मत बोलो, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मुझे। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था अगर तुम्हें मैं मोटा बोलूंगी बुरा लगेगा। अब से मैं तुम्हें हाथी का अंडा बुलाऊंगी, ठीक है? बैल बुद्धि। चलो चलो, अब कुछ गेम खेली जाए। बताओ क्या खेलोगे? आग में चोली। अच्छी गेम मालूम होती है, तो डाइम कौन देगा? आप टाइम दो ना। उई उई जी, आप तो हमारे को 2 मिनट में पकड़ लोगे अपनी जादुई शक्ति से। सही कहा, मेरे से जादुई शक्तियाँ हैं, मैं तो तुम्हें फट से पकड़ लूंगी। चलो मैं टाइम देती हूँ, लाओ पट्टी।
ओए, काफी समय बाद मैं गेम खेलूंगी। भाग जाओ, 15, 20, 90, 100, मैं आ रही हूँ। लेफ्ट 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 राइट 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 राइट। क्या? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मुझे नहीं खेलनी है बद्दी थी गेम। जी टेक इट चिल पे। एक काम करते हैं, हम घर घर खेलते हैं, ना उसमें कोई जीतेगा ना उसमें कोई हारेगा, ये बढ़िया है। घर घर, ये तो अच्छी गेम है। बचपन में मैं अपनी बहन के साथ खेलती थी, मरने के बाद तुम्हारे साथ खेलूंगी। उए उए, चलो घर घर खेलते हैं। उए उए उए, मुझे घर घर बड़ा पसंद है। अब मैं बताऊंगी सबको क्या बनना है। मैं बनूंगी बेटी, तुम बनोगी मेरी माँ, और टकलू अंकल तुम मेरे बनोगे बाप। अबे ओ लच्छा पराठा, तू बनेगा मेरा भैंस। तू बनेगी भिंडी मेरी मौसी, और तू अदरक मेरा मौसा। चलो गेम की शुरुआत करते हैं। ये अरे बेटा उई, तेरे लिए कुछ बना दूं? खिचड़ी बना दूं, खाएगी? नहीं, मुझे भैंस का दूध पीना है, मुझे दूध पीना है। दूध? अच्छा अच्छा ठीक है, रुक जा, मैं भैंसिया से दूध लेके आती हूँ। अरे ओ भैंसिया, थोड़ा दूध दियो। नहीं दूंगा, दूध खत्म हो गया। अरे दे दे। मैं नहीं दूंगा, दूध खत्म हो गया है। अरे बेटा वो तो दूध ही नहीं दे रही है। ऐसे कैसे नहीं दे रही, मुझे दूध पीना है। अबे ओ भैंस, दूध कैसे नहीं दे रही तू? दूध दे। ए ओई की बच्ची, उठ मेरे ऊपर से, मुझे दूध चाहिए। भैंस मुझे दूध पीना है। बेटा नमस्ते। नमस्ते मोती जी, नमस्ते मोदा जी। अरे इस पे बैठ के क्या कर रही हो? मैं इस भैंस का दूध निकाल रही हूँ, मुझे दूध पीना है। अरे बेटा मेल है ये, तो फीमेल दूध देती है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेल है कौन फीमेल, मुझे इसका भैंस का दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए। अरे बेटा इसको मारेगी क्या? नीचे उतरा, ये दूध नहीं देगा। क्या तमाशा है ये, भैंस दूध नहीं देती, माँ बाप खाना नहीं देते, मुझे ये भाई बद्दी गेम खेलनी ही नहीं है। अब मेरा गुस्सा बढ़ा जा रहा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। अब मैं तुम में से किसी एक को गाऊंगी। ये फैसला कब हुआ? अभी अभी ये फैसला हुआ है। अब तुम्हें बता दो, सबसे पहले किसको खाऊं? जिस जिसको मैं पहले खाऊंगी वो अपने आप एक एक कदम आगे आ जाए। ये भैंस, सबसे पहले तुझे खाऊंगी। पता नहीं मैं ऑटोमेटिक कैसे आगे आ गया, प्लीज मुझे मत खाना। अरे अरे मुन्ना रो मत, तू चिंता मत कर, तुझे अकेले नहीं खाऊंगी, इन चारों को भी खाऊंगी। Hey guys, कैसे आप सब, और कैसी लगी वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना, बिको बिको मत बोलना, और मुझे ऐसे प्यार करते रहना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसको फैला दो फैला दो फैला दो। अगर आपको सीन चाहिए तो वीडियो में कमेंट भर दो सींग के, अगर सींग वाली वीडियो चाहिए, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, इग्नोर मी, बस वीडियो फैलाओ। और मिलते जल्दी प्यारी सी लवली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।